नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी शुक्ला। प्राइम न्यूज 24 में स्वागत है आप सभी का। खबर एटा से है, जहाँ कुत्तों के गंदगी फैलाने से दो पक्षों में जमकर विवाद। बेंचू नाम के व्यक्ति ने गर्भवती महिला को पेट में मारी लात। चोट लगने से गर्भवती महिला की हालत हुई गंभीर। आनन फानन में इलाज हेतु महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां महिला चिकित्सक की तैनाती न होने के कारण जिला अस्पताल किया गया रेफर। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच पड़ताल की शुरू। एटा जनपद के राजा का रामपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला कुंजड़िया का है मामला है। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो विकास दुबे की रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? कालू। कालू, आप कहां से आए हैं और इस वक्त अलीगंज अस्पताल में आए हो? क्या पूरा मामला है? राजा के नाम से आए हैं सर। कौन है ये, आपकी कौन है? पत्नी है सर। पत्नी, क्या पूरा मामला क्या है? ये क्या है, झगड़ा हो गया था सर, और कुछ महिला पेट से गर्भ क्या था सर, तो उसने क्या है लात फात मार दी। मैं बाहर चला गया था, इसलिए गलवाने गया था क्या था, इस चक्कर में झगड़ा पीछे से हो गया था, मार चोर हो गई। अभी क्या है पेट से क्या है, तो इससे क्या था गर्भ से क्या था सर। तबीयत इनकी कैसी है? अभी ज्यादा बंदी रहता है। आप अस्पताल में आए हो, क्या पूरा मामला है? पता क्या है, ऐसे हुआ तो जैसे फिल्मे थे, उनने कट्टी कर दी, फिल्मे से तो ऐसी लड़ाई होते होते उनमें औरतों में हो गई लड़ाई। फिर उसका लड़का आया, वो गलत से थी हमारी भतीजे थी, तो उसने और उसके पेट में लात मार दी, उसके खून चलने लगा गर्भ से थी। अब फोन करने के बाद ना उनसे कही भी तो वो उसका लड़का भी आ गया, सब लोग आ गए, वो सब से चढ़ के घर पे आके मारा। अब कुछ नहीं, कुत्ते ने धक्की कर दी, उसी के ऊपर लड़ाई हो गई। कोई ऐसी बात भी नहीं थी, गई बात है अगर कोई ऐसी कोई गहरी बात थी वो भी नहीं थी। और आके उसके पेट में लात मार दी लड़के ने, उसके लड़के के लड़के ने लात मारी, बस खून चलने लगा। और अब गर्म से डॉक्टर साहब, अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी एक महिला का केस आया हुआ था, आप मौजूद हैं, क्या पूरी जानकारी है? एक हमारे यहाँ का महिला का ऐसा बता रहा है कि वो इंटरनल पार्ट से जो ब्लीडिंग है, तो यहाँ पर जो है फीमेल कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं है, जिसके कारण से उसका अंदरूनी जांच हो पाए। इस कारण से जो है उन्हें हमने जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है, जहाँ पर महिला मेडिकल ऑफिसर से उनकी जाँच हो पाए।